समूची पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। जगह जगह पर तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ जाते हैं। आपने कथा कहानियों में सुना होगा कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में कामधेन नामक गाय पाई जाती थी जो एक प्रकार से इच्छित फल देने वाली होती थी। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ठगना में रहने वाले भोलानाथ मिश्र के घर से सामने आया है। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे ऐसी सभी खबरें आपको मिलती रहें। आपको बता दें, इस गाय ने अभी तक कभी गर्भधारण नहीं किया और पिछले 7 वर्षों से बिना बच्चे दिए लगातार दूध देती चली आ रही है। उसमें भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोपालक भोलानाथ मिश्रा इस गाय से दिन भर में 4 से 6 बार दूध निकालते हैं, उसके बावजूद लगातार उससे दूध निकलता है। कहीं ना कहीं यह गाय लोगों के जिज्ञासा के साथ साथ कौतूहल का विषय बनी हुई है। अमेठी जनपद व तहसील क्षेत्र अंतर्गत ठंगहा ग्राम सभा में रहने वाले गोकर्ण नाथ मिश्रा के पुत्र भोलानाथ मिश्रा के घर पर एक ऐसी गाय है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। भोलानाथ मिश्रा बताते हैं कि इस गाय का जन्म मेरे ही घर पर रक्षाबंधन के दिन हुआ था, इसलिए इसको हम बड़े प्यार से राखी नाम से पुकारते हैं। बछिया के जन्म होने के लगभग 4 साल बीतने के उपरांत जब ये बड़ी हुई, उठते बैठते इसके थन से दूध निकलता दिखाई देने लगता था। प्रारंभ में तो हम लोग डरे, फिर हम लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया, तब उन्होंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, यदि उससे दूध निकल रहा है तो आप उसे निकालिए, नहीं तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जबकि इस गाय ने कभी भी गर्भधारण नहीं किया और कभी बच्चे नहीं दिए, इसके बावजूद यह गाय पिछले 7 वर्षों से लगातार दूध देती चली आ रही है। शुरू से ही इस गाय ने दिन भर में लगभग 9 लीटर दूध देना शुरू किया था, जो धीरे धीरे कुछ कम हुआ और आज 7 साल पूरे होने के बाद भी यह दिन भर में लगभग 5 लीटर दूध देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके दूध में फैट जबरदस्त है। लोग बताते हैं कि दूध बहुत मोटा है। गाय का दूध अक्सर पतला देखा जाता है जबकि भैंस का दूध मोटा होता है, लेकिन यह गाय दूध के मामले में अच्छी खासी भैंसों को भी टक्कर देती है। भोलानाथ मिश्रा इसे अपने आराध्य सहित माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मानते हैं। वहीं जब इस मामले में पशु चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह को जानकारी हुई तो वो तत्काल डिप्टी सीवीओ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की पूरी टीम लेकर भोलानाथ मिश्रा के घर पहुंचे और वहां पर कामधेनु को देखकर गोपालक से बातचीत करते हुए जानकारी दी। सीवीओ साहब, यहाँ पर इस गांव में एक गाय है जो पिछले 7 सालों से दूध दे रही है और कभी कंसीव नहीं किया, कभी जो है बच्चे नहीं हुए, उसके बावजूद भी लगातार दूध दे रही है, ऐसा क्या खास है इसमें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भोलानाथ मिश्र जी के आया था और पता चला है कि ये गाय जो है गर्भ होती है लेकिन जो है गाभिन नहीं हो पाती है, और इसमें इसके बाद इसका जो ऑक्सीटोसिन लेवल होता है निरंतर बढ़ता गया और ये ऑक्सीटेशन की वजह से जो है लगातार निरंतर जो है दूध देती जा रही है। और जैसा कि सामान्य प्रक्रिया में भी होता है, जब गौवंश गर्भित होता है तो उस समय हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, हार्मोनल के बाद भी सिक्रेटरी हार्मोन्स जो होते हैं उससे रिलीज होते हैं बॉडी से, तो उसकी वजह से दूध का सिक्रेशन आता है और वो निरंतर जो है जो हार्मोनल लेवल है वो बना हुआ है, इसलिए लगातार सिक्रेशन दूध का आ रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से सामान्य रूप से इसमें सिक्रेशन आ रहा है। इसमें जैसा कि भोलानाथ मिश्र ने हमको बताया कि अभी भी 4-4.5 लीटर दूध दे रही है। फिर हम लोग अभी पशु चिकित्सा अधिकारी भी हमारे साथ आए हुए हैं, यहाँ के सिंहपुर के डिप्टी CBO मीठी भी आए हैं। हम लोगों ने कहा कि इसको प्रयास करके गर्भित कराया जाएगा और गर्भित होने के बाद ये सामान्य दूध जो है वो भी देगी, इतना हमारा विश्वास है इस पर। नहीं, क्या इसके दूध में जो है कुछ खास सा होगा, कहीं कोई नुकसान नहीं? कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, सिक्रीशन जो नॉर्मल होता है दूध का वही सिक्रीशन होता है इसमें। इसके जो इसकी ब्रीड है इसकी जो प्रजाति है HF क्रॉस की है, तो उसके हिसाब से जो दूध का कंपोजिशन होता है वही दूध है इसमें। ऐसे ये अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग कितना परसेंटेज ऐसे देखने को मिलते हैं जो है जो अभी रेयर आपने कहा है? नहीं, इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जनरली मतलब आप कहेंगे कि 1-2% चांसेज होते हैं मतलब इस टाइप के केसेज मिलने के, जो कि हजारों में 1-2 जानवर ऐसे मिल जाते हैं जिसके यहाँ नॉर्मल रोटेशनल ऑक्सीटेशन होता है। बाकी जहाँ तक हम लोग गर्भित नहीं कर पाते हैं, जब बहुत स्थिति में किसान सहमत होता है तो इसके लिए आजकल इंड्यूस्ड लैक्टेशन किट आ रहा है, उसमें सारे लेवल हम लोग मेंटेन कर लेते हैं 15 दिन में, बाकी
सिक्रीशंस के लिए हार्मोन्स देते हैं, तो उस ब्रीड के प्रजाति के हिसाब से लगभग 80% प्लस दूध उसमें हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और दूध देते देते गौवंश गर्भित भी हो जाता है। पशुपालक की अगर बात की जाए तो कितना खर्च आएगा इस पे? अगर अभी तक जो एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताया गया है, लेकिन हमको लगता है कि 2500 से लेकर 3000 के बीच में जो है इस पे व्यय आता है, क्योंकि यदि उसकी गाय 15 दिन में दूध देना शुरू कर दे रही है और खाली पड़ी हुई है तो उससे उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंड्यूस्ड लैक्टेशन करके कम से कम उसका जो ब्रीड करेक्टर है उस उतना दूध उत्पादन वो आसानी से प्राप्त कर सकता है, और उसे दूध के देते देते वो गाय गाभिन हो जाती है। क्या इस पर सरकार का कोई अनुदान मिलता है? अभी तक तो कोई हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन प्रस्तावित किया गया है कि इंड्यूस्ड लैक्टेशन को हम लोग बढ़ावा दें, जैसा कि आपकी निराश्रित गौवंश घूम रहे उसमें से कुछ गौवंश अच्छे, उनको भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इंड्यूस्ड लैक्टेशन किया जाए।